Hello students, today we are going to discuss chapter 4 of class 6 science, sorting material into groups, part 2. अब तक जो है हमने soluble, insoluble, miscible, immiscible इनके बारे में पढ़ रहे थे, solid plus liquid and liquid plus liquid, ये combination की जो common liquids हैं वो water में soluble होते हैं या नहीं, solids जो हैं water में soluble हैं या नहीं. अब हम डिस्कस करेंगे गैसेस के बारे में. कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, सोलबल हो जाती हैं, और कुछ नहीं होती. ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में डिजोल्व होती है, उसी की वजह से एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं पानी में ही घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेकर सर्वाइव करते हैं. ये देखिए, एक्वाटिक प्लांट्स और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लिया मछली है, वो गिल्स की हेल्प से जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं, और एक्वाटिक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज़ कर लेते हैं. सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर्स सिंक इन. जो ऑब्जेक्ट्स पानी के कंपेरिजन में हैवी हैं वो सिंक हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर मटेरियल्स हैं दे विल फ्लोट. अब ये देखिए, थर्मोकोल बॉल है या थर्मोकोल का पीस है, सूखी हुई पत्तियां हैं, प्लास्टिक की बॉल हैं, दे आर लाइटर देन वाटर सो दे विल फ्लोट. वो पानी में तैरते हैं हल्के होने की वजह से. सिक्का है, चाबी है, पत्थर है, ये सभी क्या हैं, पानी से हैवियर हैं और ये पानी में डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपेरेंसी. ये देखिए, हमें 3 पेपर्स दिखाए गए हैं. भूजो जो है इन तीनों में से देख रहा है. फर्स्ट में से उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सेकंड में कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, और थर्ड में बिल्कुल क्लियर. तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे. ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. ये देखिए, टॉर्च से लाइट फॉल की हमने एक ऑब्जेक्ट पर, सारी लाइट उसमें से पास हो गई है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हमें दिख जाता है. ट्रांसलूसेंट, जिसमें से कुछ लाइट पास होती है, सारी रेज पास नहीं हुई, इट इज़ ट्रांसलूसेंट, इसके आर पार हमें कुछ कुछ दिखाई देता है. ओपेक, इसमें कोई लाइट बाहर पास नहीं होगी एंड वी कैन नॉट सी थ्रू इट. ये देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं. मान लिया डोर है, विंडो है, ब्रिक है, टॉयज हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार हमें अच्छे से दिख जाता है, जैसे चश्मा है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, विंडो ग्लास है. ट्रांसलूसेंट पेपर अपने में से कुछ ही लाइट को अलाउ करते हैं, तो हमें उनके आर पार कुछ कुछ दिखाई देता है. जैसे मान लिया हम एक वाइट पेपर लें और हमें उसके आर पार जो है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर एक दो ऑयल की ड्रॉप डाल दी है तो हमें कुछ कुछ विजिबल होना शुरू हो जाता है दूसरी तरफ, तो हम उसे कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. बटर पेपर, ऑयल पेपर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये देखिए, यहाँ भी जो है डायग्रामेटिकली आपको फिगर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. एप्पल जो है ओपेक है, इसके आर पार नहीं दिखता है, और जो ऑयल्ड पेपर है उसमें से हमें कुछ कुछ दिख रहा है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है वो उसमें से आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा है. अब देखिए, जो शॉपकीपर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, बिस्किट्स हैं, स्वीट्स हैं, कैंडीज़ हैं, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, ताकि जो बायर्स हैं, ग्राहक हैं, उन्हें सामान आसानी से दिखाई दें और वो उन्हें ले पाएँ. अब हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, कि हमने जो है एक टॉर्च ले लेनी है, स्विच ऑन कर लेना है, और हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, अपना हाथ रख लेना है, पाम रख लेनी है, और हमने देखना है कि हमारी हथेली के दूसरी तरफ हमें क्या दिखाई देता है. हमें दिख रहा है कि कुछ कुछ लाइट जो है वो नज़र आ रही है, इट मीन्स इट इज़ ट्रांसलूसेंट. तो टॉर्च से जो लाइट है वो पास हो रही है, लेकिन सारी लाइट पास नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे ट्रांसलूसेंट. हमारा जो पाम है, हैंड का, वो क्या है, हमें ट्रांसलूसेंट नज़र आ रहा है, उसमें से कुछ कुछ लाइट पास हो रही है. अब है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ग्रुप्स बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर ताकि हमारा काम जो है वो आसानी से हो, हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑब्जेक्ट्स की पढ़ पाएँ, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना आसान होता है, उन्हें ढूंढना आसान होता है. मान लिया हमने ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना रखा है और हमने प्रॉपर प्लेस पर रखा है, उनकी सॉर्टिंग कर रखी है,
तो हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ भी सकते हैं, उनको लोकेट करना आसान रहेगा। तो हमें डेली लाइफ में भी जो अपना मटेरियल्स है उसको सॉर्ट करना चाहिए और प्रॉपर जगह पर ही रखना चाहिए। ये आप अपने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे कि जहाँ से सामान लें वहीं पर रखें, तो क्योंकि मम्मा ने पहले ही क्या कर रखी है, सॉर्टिंग भी कर रखी है, ग्रुपिंग भी कर रखी है और उनकी लोकेशन भी फिक्स कर रखी है कि हमने अपना यहाँ स्टेशनरी रखना है, यहाँ एसेसरीज रखनी है। ओके स्टूडेंट्स।